हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। पैसों का पेड़ है ये शेयर, सही समय पे मिल जाए फिर जाने मत देना। चलिए जानते हैं कौन सा स्टॉक है और क्या इसके फंडामेंटल है और क्या इसके टेक्निकल है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो हम हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एक्सेलेंट क्वालिटी का ये स्टॉक है, एक्सेलेंट क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसके सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 10.52%, आप इसकी ईबीआईटी ग्रोथ देख लीजिए 8.72%, आप इसकी नेट डेप टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए, नेगेटिव नेट डेप है जो कि एक अच्छी बात है। आप इसमें प्लेज शेयर देख लीजिए 0, मतलब कंपनी ने अपना कोई भी स्टॉक गिरवी नहीं रखा, जो भी एक अच्छी बात होती है। अब हम इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करें। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, जो भी वैल्यू 634 से 753 के बीच में होगी ये इसको वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे डालेगा। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 20.80%, आप इसमें ईवी टू ईबिटा रेशियो देख लीजिए 14.59%, आप इसमें आरओसीई देख लीजिए 46.86%। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपेयर होगा। आप इसकी सेल्स ग्रोथ देख लीजिए जो है 0.65% से अपसाइड आई है, जो कि एक अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अपसाइड दिखाई देती है ये। आप इसमें नेट प्रॉफिट देख लीजिए, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 12.88% की नेट प्रॉफिट में अपसाइड दिखाई दे रही है। आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जिसमें भी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 0.73% की एक अपसाइड देखने को हमें मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ईयर टू ईयर रिजल्ट होता है। आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए, पिछले ईयर से इस ईयर में 17.23% की एक बढ़िया सी अपसाइड देखने को मिली है। आप इसमें नेट प्रॉफिट देख लीजिए, जिसमें से थोड़ी सी हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, जो कि है 3.90% की। आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जिसमें पिछले ईयर से इस ईयर में 2.39% की डाउनसाइड देखने को हमें मिली है। अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आप प्रमोटर के पास होल्डिंग देख लीजिए, 12.84% की होल्डिंग प्रमोटर के पास रखी हुई है। आप इसमें FIS की होल्डिंग देख लीजिए, 34.04% की होल्डिंग FIS के पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छी होल्डिंग FIS के पास रखी हुई है। आप इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लीजिए, 13.41% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास भी है। आप इसमें देख लीजिए कंपनी के एक भी स्टॉक गिरवी नहीं रखा हुआ है, जो हमने पहले बात कर ली, जो एक अच्छी बात है। चलो अब जानते हैं कौन सी है कंपनी और किस सेक्टर में काम करते हैं। और आपको भी किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब तक हम बात कर रहे थे इंफोसिस के बारे में। देख लीजिए लार्ज कैप स्टॉक है, बढ़िया डिविडेंड पेइंग भी स्टॉक है। ये क्या है कि ये स्टॉक है, ये है TCS, ये बढ़िया डिविडेंड पे करता है। ये सालाना 3 या 4 बार डिविडेंड पे करता है। हाल फिलहाल में इसने 10 रुपये और 50 पैसे का एक बढ़िया सा डिविडेंड पे किया था। चलिए अब जानते हैं इसके टेक्निकल लेवल और किस लेवल पे हम बाय करें तो हमें एक लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट हो, वो सब लेवल जान लेते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे वीडियो हम हर रोज हर दिन लेते आते हैं। चलिए अब टेक्निकल पे जाते हैं और देखते हैं कौन से लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। अब हम आ चुके हैं इंफोसिस के चार्ट के ऊपर। आप देख लीजिए ये इधर से अप चला गया, बाद में डाउन साइड लेके ये अपनी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, बाद में फिर से अप साइड चला गया, बाद में थोड़ा डाउन आया, फिर से अप चला गया। ये मीन्स के ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन हो गई, बाद में डाउन आया, तो ये अपनी जो ट्रेंड लाइन पुरानी ट्रेंड लाइन थी वहाँ सपोर्ट लेके फिर से अभी ये अपसाइड पे ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल जो ये पुरानी अपसाइड मीन्स के थोड़े दिन पहले ही अपने ट्रेंड लाइन के पास आया था। अभी जो इसकी वैल्यू है 745 है, हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके नीचे आए और ट्रेंड लाइन के पास, तो जो मेरा बेस्ट बाइंग लेवल है ये ट्रेंड लाइन के पास ही होगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है। और इससे भी नीचे मिल जाए मीन्स के 715 या उससे 700 के करीब, 700 के करीब मिल जाए मेरे को, तो ये लॉन्ग टर्म में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो हम हर रोज हर दिन लेते आते हैं। सो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलते मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।